हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। रीट की तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, जिन्होंने आरबीएसई की बुक्स जो है वहीं से तैयारी की है, और जिन्होंने नहीं की है उन लोगों के लिए आज का वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है। वो क्यों? क्योंकि सिलेबस में जो नए चैप्टर ऐड हुए हैं वो कहाँ से ऐड हुए हैं, तो यदि आपने अच्छे से बुक्स को देखा है तो आपको ये चीज समझ में आती है, और जो नए टॉपिक हैं वो भी आपको यहाँ कवर कराए जाएंगे। तो देखिए, आज मैं आपको ज्योग्राफी के जो नए चैप्टर यहाँ पर इस बार सिलेबस में ऐड हुए हैं वो बिल्कुल हूबहू 6th क्लास के चैप्टर्स में ही आपको मिल जाएंगे। 6th क्लास की जो ज्योग्राफी है वही आपकी एक यूनिट जो है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है ज्योग्राफी की। वही यदि हम इतिहास की बात करें तो वहां भी ऐसा ही होता है। अब देखिए, सिलेबस को उठाकर और आप यहाँ पर एक साइड मैंने 6th क्लास के भूगोल, इतिहास और राजनीतिक विज्ञान, इन तीनों के जो चैप्टर हैं वो एक साथ दिए हैं 6th क्लास की बुक में। ठीक है, तो हम आरबीएससी की जो 6th क्लास की बुक है उसी की बात करेंगे केवल, कि कितने जो यूनिट है वो कवर कर रहा है। और दूसरी साइड में मैंने सिलेबस जो है वो यहाँ पर रखा है जिससे कि आपको हर चीज क्लियर हो सके। अब देखिए, आपका जो फर्स्ट पॉइंट है सामाजिक अध्ययन का, इतिहास के चैप्टर सबसे पहले दिए गए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन व बौद्ध धर्म और महाजनपद काल। तो ये चैप्टर जो है वो आपको कहाँ मिलेंगे? अब देखिए, यहाँ नीचे आपका इतिहास है भाग 3 6th क्लास में, तो यहाँ आप देखते हैं चैप्टर 16, चैप्टर 17 और चैप्टर 18 और चैप्टर 19। ये चारों चैप्टर जो हैं वो आपके कितने इंपॉर्टेंट है देखिए, यहाँ आप देखिए बिल्कुल सिंधु घाटी सभ्यता जो चैप्टर है ये आपको क्लास 9th में मिलता है, क्लास 10th में भी मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके, और वैदिक संस्कृति, ये देखिए बिल्कुल वैदिक सभ्यता और संस्कृति 6th क्लास में ही दिया हुआ है। यहाँ पर है जैन व बौद्ध धर्म फर्स्ट यूनिट में ही, तो आपको जैन और बौद्ध धर्म जो है वह भी मिलेगा, और वो कहाँ मिलेगा आपको? यहाँ मिलेगा महाजनपद कालीन भारत और मगध साम्राज्य, यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा 9th क्लास का जो चैप्टर 1 और 2 है वहां पर भी आपको जैन और बौद्ध धर्म का टॉपिक मिलता है। नेक्स्ट है फर्स्ट यूनिट में ही महाजनपद काल। तो इस तरीके से देखिए, भाग 3 इतिहास का जो चैप्टर 18 है वहां आपको महाजनपद कालीन भारत बिल्कुल यहाँ पर मिल रहा है। यानी अगर आप फर्स्ट यूनिट की ही बात करें तो आपको हिस्ट्री में आरबीएससी की क्लास 6 का 16, 17, 18 चैप्टर, क्लास 9 का चैप्टर 1 और 2 और क्लास 10 का चैप्टर 1, केवल इतने ही चैप्टर आपको करने होंगे। यानी कि 6 चैप्टर करने से ही आपकी पूरी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट जो सेकंड यूनिट है मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर काल। ठीक है, और उसके बाद है देखिए 600 से 1000 ईस्वी और 72 भारत। तो यहाँ पर देखिए 6th क्लास में ही आपका 19 चैप्टर है मौर्य और गुप्तकालीन भारत। ठीक है, तो यहाँ आपको ये टॉपिक मिलता है। तो मेरा बस यही कहने का मतलब है कि बिल्कुल सिलेबस जो है वो आरबीएससी की बुक में से चैप्टर ही उठाकर बनाए गए हैं। तो बिल्कुल भी यहाँ पर ये नहीं परेशानी होनी चाहिए आपको कि सिलेबस हमने तो केवल आरबीएससी बुक से ही की है, क्या इसके आगे भी हमें कुछ करना होगा? इसके आगे आपको नहीं करना होगा। और एक दो चैप्टर जो है वो आपके इकोनॉमिक्स के जोड़े गए हैं वो मैं आपको अलग से करवाऊंगी, क्योंकि 2019-20 की बुक में वो चैप्टर नहीं है। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर इस चैप्टर की, यहाँ पर बात करते हैं इस टॉपिक की, बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली, तो ये आपका आरबीएससी की बुक में ही दिया हुआ है, लेकिन हमने अभी तक इसको नहीं पढ़ा। और वो क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि हमने 2019-20 की जो बुक थी वो पढ़ी थी। 19-20 के बाद केवल एक साल के लिए ही बीमा और बैंकिंग प्रणाली का चैप्टर जो है वो क्लास 8 में है, जिसको मैं आपको करवाऊंगी, जहां बीमा और बैंक के प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। और ये देखिए आप, ये चैप्टर जो है सहकारिता एवं उपभोक्ता जागरूक, सहकारिता एवं उपभोक्ता जागरूक। अब ये देखिए, यहाँ 6th क्लास में ही आपकी जो पॉलिटी है राजनीतिक विज्ञान, उसमें चैप्टर नंबर 11 सहकारिता एवं उपभोक्ता सशक्तिकरण, बिल्कुल यही चैप्टर दिया हुआ, आपको यही पढ़ना है। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं करनी है और आप लोगों ने पढ़ ली है। अब देखिए दोबारा से, बीमा और बैंकिंग प्रणाली में सहकारिता एवं उपभोक्ता जागरूक आपको मिल रहा है, 11वां चैप्टर है
सिक्स क्लास में ही सहकारिता एवं उपभोक्ता सशक्तिकरण, और चैप्टर 13 है बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण, ये नया ऐड हुआ है चैप्टर आपके बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण सिलेबस में, और ये कहाँ है राजनीतिक विज्ञान का, आप यदि देखते हैं यूनिट 4 भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र में, यहाँ देखिए बिल्कुल दिया हुआ है बाल अधिकार व बाल संरक्षण, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको यहाँ मिलते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट पॉलिटी का जो चैप्टर देखते हैं ये वाला कि पंचायती राज और नगरीय स्वशासन, तो ये भी आपके 6 क्लास में ही आप कवर कर लेते हैं, स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण और शहरी, जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था, ठीक है, जो कि राजस्थान के संदर्भ में करना है आपको, तो यहाँ हमने ये चीज भी पढ़ी थी। अब हम बात करेंगे कि भूगोल में बहुत कुछ बदला, ठीक है। अब भूगोल के चैप्टर जो है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, पृथ्वी और हमारा पर्यावरण यहाँ से स्टार्ट होते हैं, 3 यूनिट आपकी किसकी है ज्योग्राफी की है, भूगोल की है। यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक देखिए पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण में अक्षांश और देशांतर, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा 6 क्लास की जो चैप्टर 4 है ग्लोब, इसमें आपको अक्षांश और देशांतर, पृथ्वी की गतियां, ये आपको तीनों टॉपिक इसमें मिलते हैं, यानी एक चैप्टर आपके 3 टॉपिक को कवर कर रहा है, ठीक है। एक तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है वायुदाब एवं पवने चक्रवात एवं प्रति चक्रवात, अब ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा क्लास 7 का जो चैप्टर नंबर 2 है, वहां आपको ये पूरा टॉपिक मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी आपका जो है वो कवर हो जाता है। उसके बाद देखिए चैप्टर जो सेकंड है आपका 6 क्लास का सौर परिवार, इसमें आपका ये वाला आ रहा है टॉपिक सूर्य एवं चंद्र ग्रहण, ठीक है। तो आपका सेकंड चैप्टर जो है वो भी आपको पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी के मुख्य जलवायु एवं कटिबंध, ये आपको मिलता है क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2, वहां आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद क्लास 7 में ही जो फर्स्ट चैप्टर है वहां पर आपको जैव मंडल के बारे में जानकारी मिलती है, और क्लास 6 का ये देखिए पर्यावरणीय प्रदेश चैप्टर नंबर 7, तो यहाँ पर पर्यावरणीय समस्या एवं समाधान, यानी ये पूरी यूनिट जो है उसमें अधिकतर चैप्टर जो है वो आपकी क्लास 6 के हैं। सौर मंडल, अंतरिक्ष खोज जिसमें अक्षांश, जिसमें सौर मंडल जिसमें सूर्य और चंद्र ग्रहण पढ़ना है आपको, अंतरिक्ष खोज पढ़ना है आपको, ग्लोब अक्षांश और देशांतर मिलेंगे आपको इसमें, ठीक है, पर्यावरणीय प्रदेश में आपको पर्यावरणीय समस्याओं और समाधान मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये पूरा का पूरा आपको 6 क्लास कवर करनी है, जो कि आपकी पूरी की पूरी एक यूनिट जो है वो कवर करती है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। इसके बाद ज्योग्राफी का ही नेक्स्ट जो है आपका पार्ट यूनिट भारत का भूगोल और संसाधन, तो ये आपको कहाँ मिलेगा, आपको मिलेगा भू आकृति जो है वो भारत की, ये क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1, वहां आपको मिलेगा। नेक्स्ट प्राकृतिक वनस्पति, ये आपको क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5, यहाँ आपको देखने को मिलता है, जहाँ वन्य जीवन और वनस्पति जो है वो पढ़ते हैं। उसके बाद मृदा कृषि फसलें, ये क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 है। नेक्स्ट उद्योग जो है वो क्लास 8 का ही चैप्टर नंबर 6 आपको पढ़ना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है खनिज, खनिज जो है वो चैप्टर नंबर 5 है क्लास 8 का ही, ठीक है। अब देखिए आपको इतनी सारी चीजें जो है वो क्लास 6 7 और 8 में ही मिल जाती है, ठीक है। और जो आपकी इतिहास है वो आपका 6 क्लास 7th क्लास 9th और 10th बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां आपका पूरा कवर होता है। और एक मैंने आपको बता ही दिया है कि बीमा और बैंकिंग प्रणाली, जिसमें बीमा और बैंक के प्रकार, ये मैं आपको करवा दूंगी, क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद सहकारिता एवं उपभोक्ता ये आप पढ़ चुके हैं, ये आपको पढ़ा दिया गया है, ये क्वेश्चन आंसर सीरीज मैंने बना दी है, ये 11th है आपकी 6 क्लास का 11th चैप्टर सहकारिता एवं उपभोक्ता सशक्तिकरण, ठीक है। तो अब आपके लिए कुछ भी यहाँ पर नया नहीं है कि भाई इतना सारा सिलेबस में क्या क्या नया ऐड हो गया, अब हम कैसे करें, जो भी आपने पढ़ा है वही है सेम टू सेम। यदि आपने आरबीएससी की बुक पढ़ी है, इसका मतलब आप लोगों के लिए कुछ भी नया नहीं है, ये बात है, ठीक है। तो बिल्कुल इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए आप कि हम लोग कैसे करेंगे, इतना सारा ऐड हो गया है, मात्र 2 या 3 ही आप टॉपिक आपके ऐड हुए हैं, ऐसा आपको मान के चलना है, क्योंकि इतना ही आपके ऐड हुआ है,
और जो बच्चों ने नहीं किया है, देखिए ज्योग्राफी सर करवा रहे हैं जिसमें उन्होंने अक्षांश और देशांतर के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में अच्छे से समझाया है, क्वेश्चन आंसर सीरीज में सूर्य और चंद्र ग्रहण के बारे में बताया आपको, पृथ्वी की गतियां, वायु दाब पवने, चक्रवात प्रति चक्रवात के बारे में आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा रहे हैं। तो आपको ज्योग्राफी जो है इसी तरीके से करनी है, आरबीएसई की बुक्स का एक एक चैप्टर जो है वो आपको रटना है यदि आप एग्जाम में पास होना चाहते हैं। एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, तीन बार पढ़िए, आपके जो 60 मार्क्स जो हैं वो आपके लिए बहुत मायने रखते हैं 150 में से, क्योंकि यदि 60 में से आप 58 या 59 मार्क्स लेकर आते हो तो ये सोचिए कि आपका 100% सिलेक्शन होगा ही। तो इसी तरीके से अब इसके बाद हम लेंगे टेस्ट, ठीक है। इसके बाद आपका जो टेस्ट है वो यूनिट वाइज ही लिया जाएगा, जैसे कि हिस्ट्री में भारतीय सभ्यता संस्कृति एवं समाज आपका फर्स्ट यूनिट है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन बौद्ध और महाजनपद, ये किस तरीके का टेस्ट होगा, ये आरबीएससी की बुक्स में से ही क्लास 6 में जो चैप्टर हैं 16, 17, 16, 17 और 18, ठीक है ये। उसके बाद क्लास 9th में भी आपको चैप्टर फर्स्ट और सेकंड में आपको वैदिक संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता मिलती है, क्लास 10th में आपको चैप्टर 1, केवल चैप्टर 1। तो ये पूरी यूनिट जो है वो आपके 6 चैप्टर कंप्लीट करता है। तो इसी तरीके से हमारी रिवीजन होगी और टेस्ट आपका लिया जाएगा, जिसमें आपको 6 चैप्टर का टेस्ट जो है वो देना होगा। इसकी सूचना आपको दे दी जाएगी कि कब आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो आप अपनी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से रखिए कि आरबीएससी की हिस्ट्री की क्लास 6 का चैप्टर 16, 17, 18, क्लास 9th का चैप्टर 1 और 2 और क्लास 10th का चैप्टर 1, ठीक है। उसमें से भी क्लास 10th का चैप्टर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2, तो ये आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाती है। इसी तरीके से हम एक एक यूनिट करके टेस्ट लेते जाएंगे और आपकी तैयारी और भी अच्छे से हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।